नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएस ने एक डील की है ताइवान के साथ, और वो डील क्या है कि वो 66 F-16 फाइटर जेट जो है वो ताइवान को देने वाला है, और जिससे चीन को मिर्ची लग गई है। चीन को क्या लग गई है? मिर्ची लग गई है। मिर्ची क्यों लगी है, तिलमिला क्यों गया है, और यूएस ने इस वक्त ये कदम क्यों उठाया है, इन सब चीजों का हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, और पूरी हिस्ट्री के साथ देखेंगे कि चीन और ताइवान के बीच में क्या रिलेशन है। पूरी हिस्ट्री हम देखते हुए आएंगे इस चीजों को। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे हम देख सकते हैं कि यूएस और ताइवान के बीच में एक डिफेंस डील हुई है, और लॉकहीड मार्टिन कौन है? ये लॉकहीड मार्टिन वो कंपनी है जिससे क्या होगा, ये जिससे होगा क्या मतलब कि ये F-16 फाइटर जेट बनाने वाली एक कंपनी है। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले एक बार पोजीशन पर देख लेते हैं कि ताइवान कहाँ है। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत के सर के ऊपर है नॉर्थ, यहाँ है साउथ, यहाँ है वेस्ट, और यहाँ है ईस्ट। और ईस्ट में चलते हैं तो यहाँ आता है फार ईस्ट में ताइवान। तो ये रहा ताइवान, जो चाइना के हम कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट में है, चाइना के साउथ ईस्ट में आता है ताइवान। अब थोड़े से फैक्ट हम देख लेते हैं कि ताइवान ने क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इन सब चीजों को क्या किसी ने पहले नहीं किया था। देखो क्या है कि ये 66 F-16 जो है वो अमेरिका जो ताइवान को देने वाला है, इससे पहले 150 यानी 150 F-16 जो है वो ऑलरेडी 1992 के अंदर ताइवान को दिए गए थे H.W. Bush के द्वारा। ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के 1992 में, जब इन्होंने 150 F-16 फाइटर जेट जो दिए थे। अब ये 66 अकेले ये नंबर नहीं है, एक्चुअल जो नंबर है वो 90 है, 90 है एक्चुअल जो नंबर है वो 90 है। ये 2026 तक क्या है, 2026 तक ताइवान को दिए जाएंगे। अभी फिलहाल 66 दिए जाएंगे, बाकी जो बच गए वो 2026 तक पहुंचा दिए जाएंगे। अब जैसे ही इन्होंने ये डील की है, अमेरिका ने जैसे ये डील की है कि वो 66 ये जो F-16 जो है वो ताइवान को देने वाले हैं, इससे क्या हुआ, एक स्ट्रोंग रिएक्शन निकल के आया। चीन जैसे तिलमिला गया, चीन तिलमिलाते हुए बोला, वहां की जो स्पोक्स वुमेन है, वहां उन्होंने हुआ चोंगयंग जो भी हैं आप नाम देख सकते हैं इनकी, जो उन्होंने बोला है वो एज इट इज मैंने यहां पे रखा हुआ है। मैंने ये नहीं कि अपनी तरफ से इसमें कुछ मिर्च मसाला डाल के यहाँ पे लगाया, नहीं, जो उन्होंने बोला है वो एक्चुअल में लेके आया हूं मैं यहाँ पे। उन्होंने सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि लड़ाई वाले या जंग वाले इन्होंने काम करने वाले काम कर दिए। तो इन्होंने कहा है कि द स्पोक्स वुमेन हुआ चुनयंग सेड एट द टाइम दैट हर गवर्नमेंट वॉज अर्गिंग द यूएस टू रिफ्रेन फ्रॉम सेलिंग दी। वो कह रही है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो यूएस से कहती है कि वो हट जाए, हट किस बात से जाए, फाइटर जेट्स टू ताइवान एंड स्टॉप आर्म्स सेल टू एंड मिलिट्री कॉन्टेक्ट विद ताइवान। वो वही साहब जो ताइवान के साथ जो इन्होंने ये आर्म डील की है, ये फाइटर जेट्स देने की आर्म डील की है, और जो मिलिट्री कॉन्टेक्ट है वो इन सब चीजों को बंद कर दे, अदरवाइज द चाइनीज साइड विल श्योरली मेक स्ट्रोंग रिएक्शन। ध्यान देने वाली बात है, मेक स्ट्रोंग रिएक्शन एंड द यूएस विल हैव टू बियर ऑल द कॉन्सिक्वेंसिस। क्या भाई इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि चाइना की तरफ से एक स्ट्रोंग रिएक्शन आएगा, अगर स्ट्रोंग रिएक्शन आएगा और उस चीज को भुगतने के लिए जो यूएस है वो तैयार रहे। अब वो भाई क्या बताऊं इनके बारे में, हिस्ट्री आ गई है। अब हिस्ट्री के ऊपर हम चलते हैं कि चीन इतना तिलमिला क्यों रहा है, और यूएस ने ये कह सकते हैं कि दुग्धी रग पे हाथ रख दिया चीन की। तो चीन जो है जब व्यापार करता है किसी के साथ, इसने पूरे दुनिया को ये कह सकता है कि कह सकता है कि इन्होंने पूरी दुनिया को ये कह रखा है कि पूरी दुनिया इनको ये कहे कि PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक पॉलिसी है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एक पॉलिसी है, इसके तहत वो उनके साथ ट्रेड करें, यानी पूरा वर्ल्ड जो है वो PRC के तहत जो है वो चाइना के साथ ट्रेड करें। अब PRC के अंडर जो है वो ताइवान आता है, क्लियर। ये कहते हैं कि वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये है,
इनकी एक पॉलिसी चलती है वन चाइना पॉलिसी, पीआरसी, पीपल रिपब्लिक चाइना। तो ये कह रहे हैं कि पूरे देश, पूरी दुनिया को ये बोल रहे हैं कि किसी भी देश को इनके साथ अगर व्यापार करना है तो ये पीआरसी को मानेंगे। और अब तक अमेरिका भी मानता आ रहा था, इस पॉलिसी को अमेरिका भी मानता आ रहा था, ताइवान को इसके अंदर ही मानता था। अब ताइवान क्या है, ताइवान क्या अलग मानता है अपने आप को? देखो यार, ये ना चीज थोड़ी सी पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है कि ताइवान खुद को क्या कहता है, ताइवान अपने आप को कहता है रिपब्लिक, ध्यान देने वाली बात है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, अपने आप को कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी आरओसी। ये अपने आप को बोलते हैं पीआरसी और ये अपने आप को बोलता है आरओसी। अब ये पीआरसी क्यों बोलते हैं, ये आरओसी क्यों बोलते हैं, इसके पीछे एक हिस्ट्री, उस चीज को हम देखने वाले हैं। और ज्यादातर क्या हुआ, जब चीन ने यह बोला कि पूरे वर्ल्ड से कि हमारे साथ पीआरसी के तहत यानी वन चाइना पॉलिसी के तहत काम करोगे, तो 2018 तक आते आते क्या हुआ, मोस्ट ऑफ एयरलाइंस ने अपने नाम जो है वो ताइवान से बदल के इन्होंने क्या कहा कि चाइनीज ताइपे के नाम से इसको पुकारा जाए। तो मोस्ट ऑफ एयरलाइंस ने क्या किया, उसको चाइनीज ताइपे नाम रख दिया। यानी इतना दबाव कर दिया था पूरे वर्ल्ड के ऊपर इन्होंने, इन्होंने क्या कर दिया, चाइनीज ताइपे जो ज्यादातर एयरलाइंस है उन्होंने ये नाम रख लिया। और अमेरिका भी इसी पॉलिसी को अभी तक मानते आ रहा था। अब ताइवान का क्या स्टैंड है, ताइवान तो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है और चीन अपने आप को पीआरसी कहता है जिसके अंडर ये ताइवान भी आता है। अब इन सब चीजों को एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री के तहत समझते हैं। ये देखिए, ये रहा रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये ताइवान जो है अपने आप को ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये रिपब्लिक ऑफ चाइना। थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर जान लेते हैं ये सब चीजें क्या है। जब 1945 था, जब जिस वक्त वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था और जापान जो है अब रुक ही नहीं रहा था, आगे बढ़े जा रहा है, बल्कि ये किसी के कहने पे नहीं रुक रहा, बम्बिंग हो रही है तब भी नहीं रुक रहा, तब आपको पता है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या हुआ, बम्बिंग हुई, मतलब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए, जिससे 2 सितंबर 1945 में इसने जापान ने सरेंडर कर दिया। और जापान ने जब सरेंडर कर दिया, जितने भी जो ये देश हैं आप देख रहे हो, ये चाइना हो गया, ताइवान हो गया, कोरिया हो गया, ये जापान के अंडर आया करते थे, ये जापान ने इनको अधिकृत कर रखा था, जापान ने अपने अंदर ले लगे थे, मतलब ये कह सकते हो कि ये यहाँ लोग, जापान के लोग यहाँ पर खेती किया करते थे। जब इसने 2 सितंबर 1945 को सरेंडर कर दिया, तो ये जो देश है, चीन हो गया, कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, ये अलग अलग देश जो है अपने आप में निकल गए। जब एक पहले एक बात बता देता हूं कि ताइवान जो था वो चीन वर्ल्ड वॉर टू से पहले चाइना का एक हिस्सा था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो हर कोई अपना अपना एक देश बनने लगा, तो इन्होंने अपनी यहां पर भी एक देश बनना शुरू हुआ। अब थोड़ी सी हिस्ट्री और चलाते हैं, आपको बताते हैं। जब ये सब चीजें हुई 1945 के बाद, यहां पर क्या हुआ, चीन में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, ये सिविल वॉर स्टार्ट हुआ यानी गृह युद्ध जहां शुरू हुआ, दो मेन पार्टीज के अंदर यहां पे गृह युद्ध शुरू हुआ। एक तो जो पार्टी थी उसका नाम था KMT और एक जो थी CCP यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। KMT यानी इसका मतलब है क्वामिनतांग जो ये थी, और ये होगी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। 1949 तक आते आते इनको बहुमत मिला, ये दोनों जो थी, ये सरकार के ऊपर किसकी सरकार होगी चीन के अंदर, ये सिविल वॉर वहां पे चलने स्टार्ट हुए थे तब, ये सरकार किसकी होगी, तो बहुमत मिला चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को 1949 के अंदर। तो ये हार कर भाई साहब ये चले गए ताइवान में। जब ये ताइवान में चले गए तो इन्होंने यहां पे इसको लिख दिया आरओसी, इन्होंने कह दिया कि रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और ये बहुत जबरदस्त ग्रो किया भाई साहब, ये ताइवान जो है वो इतना ग्रो किया कि ये टॉप 10 और 15 ट्रेडिंग कंट्रीज के अंदर आने लगा। इवन आज भी अगर मैं बताऊं कि चीन और ताइवान का व्यापार होता है जिसमें ताइवान जो है वो सरप्लस में रहता है, मतलब कि यहां पर चीन के साथ व्यापार करने में ताइवान को फायदा होता है, मुनाफा होता है आज की डेट में भी। तो ये सब चीजें हुई, आरओसी इन्होंने बनाया। और जो चीन का क्या स्टैंड है, चीन कहता है कि हम जो है वन नेशन, ताइवान को अपने अंडर लेते हुए कहता है कि हम जो है वन नेशन टू सिस्टम है। इस चीज पर तो आपको अच्छे से पता होगा कि अभी इसने इस
चीज का कैसे धज्जियां उड़ा दी हैं चीन ने हांगकांग को। जैसे सिक्योरिटी सिक्योरिटी जो उन्होंने एक पॉलिसी निकालती थी सिक्योरिटी के तहत, मुझे उसका डील का नाम याद नहीं आ रहा, जो भी उन्होंने जो उस वक्त निकाली थी, उसके तहत इन्होंने क्या किया, हांगकांग को अपने अंडर मिला लिया, हांगकांग को अपने अंडर मिला लिया। अब क्या हुआ, जब अमेरिका जो है इस चीज से वाकिफ है कि ये जो वन नेशन है टू सिस्टम वाली जो चीज है, ये चाइना जो है वो पूरी दुनिया को जो बोल रहा है, एक तरीके से एक ना एक दिन ऐसा आएगा ये ताइवान जो है वो इस चीज को भी खत्म करके इसको अपने अंदर पूर्ण रूप से मिला लेगा। तो इस चीज को लेके इन्होंने क्या किया था, यूनाइटेड स्टेट ने 60 देशों को मिलाकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ये बात उठाई थी, ये मुद्दा उठाया था कि ताइवान को WHO में शामिल किया जाए एक अलग कंट्री के रूप में, जिस बात से जो चीन है जो बहुत ज्यादा इस चीज से गुस्सा हुआ था, बहुत ज्यादा नाराज भी हुआ था इस चीज को लेकर। और ये अमेरिका ने अब ये जो किया है, तो इससे ये चीज तो जाहिर है कि अमेरिका जो चाइना सबको बोलता फिर रहा है कि सब मेरे साथ PRC के तहत जो है वो व्यापार करेंगे, क्योंकि ताइवान को मेरा ही एक पार्ट माना जाएगा। अगर अमेरिका ने ये सब किया है तो इससे जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने सीधे तौर पर चाइना को इस बात से ललकार दिया कि हम नहीं मानते कि ये तुम्हारे अंडर आते, ये एक अलग कंट्री है। और शायद नवंबर से पहले पहले, अगर दिन सही चलेगा तो अच्छी बात है, शायद तो जंग हो सकती है चीन और अमेरिका के बीच में। और ये यहाँ पर अपने जो लॉकहीड मार्टिन के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके द्वारा जो बनाए गए फाइटर जेट है, वो उनका ही वो यूज कर सकता है, भाई साहब कुछ भी समझ लो। तो बड़े मजेदार बात है, दो देश लड़ने वाले हैं। आप कहोगे कि सर आपको कैसे मजा आ रहा है, देखो यार दो बंदर लड़ेंगे तो फायदा किसका होगा, इसके में फायदा होगा भारत देश का। कैसे फायदा होगा, जितनी भी जो यहाँ पर जो चाइना में कंपनी है वो यहाँ से शिफ्ट होनी स्टार्ट होंगी, और वो शिफ्ट होनी स्टार्ट होंगी, और उनको एक ऐसा देश चाहिएगा जो डेमोक्रेसी, जहाँ पर डेमोक्रेसी, और भारत वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो ये यहाँ पर आएंगे, क्योंकि इनको एशिया में एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर ये अपना बिजनेस जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, और भारत जैसा देश इनको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो ये सारी कंपनियां आएंगी भारत के अंदर, जिससे भारत का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम कह सकते हैं इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर जॉब क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, हमारा ही फायदा है। दो बंदर लड़ेंगे, अब देखने वाली बात है कि चाइना अब इस चीज के ऊपर कैसे रिटेलिएट करता है, कैसे वो जवाबी कार्रवाई करता है। तो जिस दिन ये करेगा उस दिन मैं आपको न्यूज बताऊंगा, आई होप सो बहुत जल्दी ये चीजें मजे वाली बात होने वाली है। अब तो आप कहोगे कि सर आपको क्या मजा आ रहा है किस चीजों में, यार क्या करें, अब दो देश लड़ेंगे, भारत का फायदा है इस चीज में तो कह सकते हैं। चलो देख सकते हो कि चाइना की जो पॉपुलेशन आपको पता है 1.3 बिलियन है, वैसे इससे भी ज्यादा है ये तो, 23 मिलियन जो है वो ताइवान के यहाँ पे मिलिट्री फोर्स के बारे में दे रखा है। और बस इतना ही था आज की इस वीडियो में, बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, इसके ऊपर अगर कोई नई न्यूज़ आती है तो उसको लेकर मैं जरूर हाजिर हूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।